अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एन टी एस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 55 पी एस टी सी टी टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी पीसेज ऑफ 4/10 meters ऑफ वायर कैन बी कट फ्राम अ वायर विच इज़ 8/5 meter लॉन्ग। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और उससे पहले आपको से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको फ्यूचर में बर वक्त नोटिफिकेशन आए, और साथ ईटा और एजुकेशन के मुतालिक जितना भी अपडेट्स होता है एडवर्टाइज से लेकर आर्डर तक वो हम साथ साथ वक्तन फवक्तन चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो उसका भी आपको अपडेट आएगा। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हाउ मैनी पीसेज ऑफ 4/10 meters of wire can be cut from a wire which is 8/5 meter long। यानी टोटल जो है आपके पास वायर है, जो भी एक चीज़ है वो 8/5 meter उसकी जो लेंथ है वो इतनी है, एक तार है इतनी, इसमें से अगर 4/10 meter के आपको कहा जाए इतने पीसेस इससे काट दो तो आप क्या करेंगे। तो डेफिनेटली जब काटने की बात आती है तो माइनस सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो सब्ट्रैक्शन जो है ये जो माइनस है और डिवीजन का क्या ताल्लुक है, डिवाइड का एक है सब्ट्रैक्शन और एक ही डिवीजन या डिवाइड जो है। तो बार बार बेसिकली साइन दो ही है, एक आपके पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जो डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये ही माइनस और प्लस है। बार बार सब्ट्रैक्शन के अमल को डिवीजन कहते हैं, और बार बार जमा करने के अमल को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी 2 × 5 का मतलब है 5 × 2 = 10। अगर 2 को 5 बार आप जमा करें तो इससे आपके पास 10 ही आएगा, 5 × 2 = 10। ये इसका एक शॉर्टकट मेथड है जस्ट। इसी तरह डिवीजन, अगर आप 10 को 2 पर तकसीम करते हैं तो आपके पास 5 आएगा। इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये 5 बार आप इससे जो है ना 10 से ये माइनस आप कर सकते हैं, एक ज़्यादा कर दिया इतने बार। यानी बार बार जो सब्ट्रैक्शन का अमल है वो डिवीजन कहलाता है, और बार बार जो एडिशन का जो अमल है ये मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी इसी तरह की एक बात है, हमें इसको माइनस करना चाहिए। तो माइनस हम जो है ना, यानी कटिंग की बात हो रही है तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है, आप डिवाइड कर लें, जो 8/5 जो लेंथ है उसको किस पर करेंगे, 4/10 पर। जब इस पर आप करेंगे तो डिवीजन जो है इस तरह की डिवीजन आप फ्रैक्शन में अगर आपको कहा जाए 8/5 और इस तरह 4/10, इस तरीके से भी हो सकता है इसकी डिवीजन, लेकिन आपको हर बंदा जो मैथमेटिक्स का बंदा है वो तो कर लेगा, लेकिन आम बंदे के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसका एक और प्रोसेस है, उसको हम शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं। वो क्या है, 8/5, ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, लेकिन ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है कंडीशन साथ ये है ये उलट जाएगा, ये 4/10 था तो अब 10/4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर इसको इस दोनों जो फ्रिक्शंस हैं, बेसिकली फ्रिक्शंस क्या हैं, तो फ्रिक्शंस जो है हिस्से हैं, यानी 8/5, 10/5। अब ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनकी 5 1s, 5 2s, 4 1s, 4 2s, यानी 2 2s आपके पास आएगा 4, और यही इसका जो है वो सोल्यूशन है, और ये आपके पास मौजूद है यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यही इसका जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो इसी तरह इंशाल्लाह इसके बाद भी मैथमेटिक्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट सी 2-3 मिनट की वीडियो में हम आपके साथ इसको जो है ना सोल्यूशन देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।